बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू रिज़वानाज़ ब्लॉग। आज आप देख रहे हैं कि कितना गहमा गहमी वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज एक्चुअली मैं घर से बाहर ज़रा आई हूँ ब्लॉग करने के लिए, स्पेशली ये जो जॉयलैंड की ट्रेन है ये उसका शोर है, और जॉयलैंड है जी सिंधबाद। हाँ, मैं आज अपना जो ब्लॉग है वो आके सिंधबाद में कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि सियालकोट में जो है वो जॉयलैंड सिंधबाद कितना अच्छा और बच्चों के लिए कितना एंटरटेनिंग है, बड़ों के लिए भी है एक्चुअली, लेकिन ज़ाहिर है कि वो झूले वगैरह और राइड्स जो बच्चे लेके खुश होते हैं तो बड़े जो हैं वो बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं, तो इसी तरह से ये जो है चलता रहता है। ये देखिए, ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर गहमा गहमी है, और बाहर से जो है वो काफ़ी रश आपको नज़र आ रहा होगा। इस वक्त जो है लोग अभी आना स्टार्ट हुए हैं सिंधबाद में, तो चलिए मैं आपको बाकी भी जो है सैर करवाती हूँ, साथ साथ खुद भी करती हूँ, तो साथ साथ जो है बाज़ पॉइंट्स पे जो है वो शायद आपको आवाज़ नहीं आएगी, मैं बोलूँगी नहीं, तो जो है वो आप लोग को सिर्फ वहाँ की सैर करवाऊँगी। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है सिंधबाद के अंदर। ये देखें जी, ये राइड्स देखें कितनी प्यारी, और ये ट्रेन का ट्रैक है जो कि पूरे सिंधबाद में फैला हुआ है, काफ़ी ये बड़ा जॉयलैंड है पूरे जो है ना सिंधबाद के अंदर, ये ट्रेन का ट्रैक है काफ़ी दूर तक जाता है। ये देखिए कि मैं एक पॉइंट पे खड़े होके तो दूर तक जो है आपको व्यू दिखा रही हूँ, पास पास जाके भी अभी दिखाऊंगी, लेकिन ये काफ़ी दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक राइड है जहाँ पे बच्चे झूला ले रहे हैं, ये देखिए जी। चलिए मैं आप साथ साथ आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ, और अगर कहीं पर आवाज़ नहीं आएगी तो वहाँ शोर की वजह से मैं जो है वो बात नहीं कर पाऊँगी, आप वैसे ही इंजॉय कीजिएगा मेरे साथ साथ। ये देखें जी, ये इनसाइड व्यू है सिंधबाद का। अभी हम पास जाके सारी राइड्स आपको दिखाएंगे कि बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट राइड्स में। ये देखें जी, ये सिंधबाद। आइए मैं आपको दूसरी साइड में भी लेके चलती हूँ, पूरे सिंधबाद का मैं आपको विजिट कराऊंगी। ये ऊपर ट्रेन जा रही है, ड्रीम राइड है ये, इससे आगे देखिए माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा और जॉयलैंड है, सब लोग खासा इंजॉय कर रहे हैं ये पैराग्लाइड पे। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे जाके आपको राइड्स भी काफ़ी हैं। ये बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, संडे नाइट है लेकिन फिर भी क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं, हॉलीडेज चल रहे हैं स्कूल्स के अंदर, और बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय करने आए हुए हैं। ये सिटिंग पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे जो लोग राइड्स नहीं ले रहे, थक रहे हैं, वो बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी राइड है ये, ये लोगों को इधर उधर करके मुझे जरा होना पड़ रहा है। इधर ये देखिए रेसिंग कार, छोटे बच्चे कितना इसको एंजॉय कर रहे हैं,
आई होप आप भी ज़रूर मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी वीडियो को तो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर वीडियो वॉच करेंगे और सिंधबाद का पूरा टूर मेरे साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा। और प्लीज़ इस सारी जो है इंटरेस्टिंग ब्लॉग के अंदर ये मत भूल जाइएगा कि आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को फुल देखना है और इसको शेयर करना है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही पसंद आएगी आप लोगों को जी। तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बहुत कोशिश से ये वीडियो आप लोगों को आप लोगों के लिए बनाई है, और आप लोग प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको। अब एक पोर्शन रह गया है जो कि किड्स के लिए है, तो चलिए मैं उसका भी आपको एक दफ़ा विज़िट करवाती हूँ। ये देखिए जी, हम लोग आ गए हैं इनसाइड, वो सब आउटसाइड था और अब हमने इनसाइड के डॉगिंग कार्स हैं। आप लोग मेरे आने वाले ब्लॉग तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त।